कनेक्ट होकर सवाल ले लेते हैं। रैली गियर पर सवाल है, 500 शेयर 218 पर खरीदा हुआ है। दूसरा है पैराडी फॉस्फेट्स, यहाँ पर 61.60 रुपए की बाइंग है मानस, 500 शेयर्स हैं। दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव के आसपास थोड़े प्रॉफिट्स ही लैंड कर रहे हैं, क्या सजेशन रहेगा? तो देखिए रेलिगर में बने रहिए क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है, स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, आज रिकवरी में वापस 20 और 50 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हुआ है और अब कहीं ना कहीं 255 तक के भाव आपको रेलिगर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए और 220 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये मैंने केवल एक ट्रेडिंग व्यू दिया है, अगर इन्वेस्टमेंट का टाइम के हिसाब से आप पोजिशन बना के रखना चाहते हैं तो भी मेरे हिसाब से बने रहिए, स्टॉप लॉस उस केस में 190 रुपए का रहेगा और टारगेट फिर बढ़े सकते रहिए, सबसे पहले तो 280 रुपए और उसके ऊपर निकला तो 325 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पारादीप की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर स्टॉक कोशिश लगातार कर रहा है 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर कंफर्मेशन पे ही आपको कोई फ्रेश पोजिशन बनानी है और अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशन है तो आपको 58 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। एक बार 66 के ऊपर निकलेगा तो आपको वापस 74 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की राय यहां पर भी रहेगी पर 58 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से और हमारे साथ हैं विवेक पाठक पटना।